हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हीटर के बारे में। कार के ये काफ़ी इजी थिंग लगती है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कैसे चलता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हीटर चलाने में कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका फ्यूल भी वेस्ट होता है और उनका जो है इंजन पे लोड भी बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा प्रॉपर आप लोग को ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे हीटर का यूज़ करना है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं तो कार में हीटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त। तो सबसे पहले तो सबको ही बताया, मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ पहले। तो पहले मैं आप लोग को सारे कंट्रोल समझा देता हूँ क्या है। तो इस वक्त तो एसी ऑन था। तो मेरी कार में जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो जिस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है उस कार में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर जैसे यहाँ पे 24 डिग्री सेट है, तो मैं पहले कार को ऑन कर लेता हूँ, तब हीटर इजिली चलेगा। क्योंकि कार, जब तक आपकी कार ऑन नहीं है आपका हीटर हीटिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि कार के में कोई अलग से हीटर की यूनिट नहीं लगी रहती। कार के इंजन से जो हीट निकलती है उसी हीट को कैप्चर करके यहाँ पे कार में भेजा जाता है हीटिंग कॉइल के थ्रू। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अब अगर ऑटोमेटिक में आपको हीटर ऑन करना होगा तो बाहर का टेम्परेचर, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बाहर का टेम्परेचर इस वक्त मेरी कार में शो कर रहा है 13 डिग्री सेल्सियस। 13 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 13 डिग्री बाहर है, तो कम से कम आप अंदर अगर 20-22 भी रखेंगे ऑटो पे करके तो गर्म हवा ही आएगी। तो जैसे कि इस वक्त कार में 20, मैं 22 पे सेट करता हूँ, तो कार अंदर 22 का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहेगी। अब तो 22 का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस वक्त ऑटो पे है तो कोई भी, क्योंकि हीटर जो है ऑफ हो रखा है क्योंकि अभी कार जस्ट ऑन की है मैंने, तो जैसे ही हीटिंग कॉइल में हवा आएगी तो यहाँ से गर्म हवा आने लगेगी। तो इस वक्त अगर मैं चाहूँ तो इसको आप ऑटो पे हटा ही लें, क्योंकि ऑटो पे क्या है एसी ऑन हो जाता है ज़्यादातर बार कार का। तो जैसे एसी का ये बटन है, मैं एसी ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको जो है हाई पे, अगर आप पूरा हाई कर दें H1, तो अब यहाँ से जो है हीटिंग कॉइल के थ्रू आप इसको अगर फेस की तरफ कर देते हैं, इसकी पोजिशनिंग ये जैसे कि मैंने फेस की तरफ कर दी है, तो ये फेस की तरफ हो गया। और इस वक्त H1 पे अभी उतनी गर्म हवा नहीं आ रही है क्योंकि कार अभी जस्ट ऑन की है मैंने, तो कार भी ठंडी है, इंजन में बिल्कुल गर्मी है नहीं। तो जैसे ही इंजन अभी गर्म हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर, तो 1-2 मिनट बाद एकदम इसमें से हॉट एयर आने लगेगी, जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। तो H1 पे रखना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि H1 पे बहुत ज़्यादा ही हॉट एयर आएगी आपके कैबिन में। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जब हीटर ऑन करना है आपको या हीटर का आपको यूज़ करना है तो आप लोग हीटर का यूज़ करें 27 to 28 डिग्रीज पर। 28 डिग्रीज काफ़ी आइडल रहेगा। और इसको आप विंडशील्ड की तरफ रखें और फेस की तरफ रखें, दोनों तरफ रखेंगे तो आपकी फॉग भी नहीं जमा होगी कार में, बट वो फॉग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है और आपने अंदर बहुत बढ़ा के रखा है, तब भी आपके में फॉग जमेगा विंडशील्ड पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पीछे जो आप, कई कार्स में पीछे फॉग हटाना रहता है, तो इसमें रेयर डिफॉगर भी दिया रहता है, तो रेयर डिफॉगर मैं चाहूँ तो ऑन कर दूँ। और पीछे जो मेरी कार के बैक विंडशील्ड पे अगर कोई भी फॉग जमेगा तो वो फॉग जो है, वो अभी फिलहाल तो फॉग है नहीं, बट वो फॉग चला जाएगा क्योंकि पीछे हीटिंग कॉइल्स लगी रहती है पतली पतली, तो वो हीट करके उसको हटा देती है। तो ये रियर डिफॉगर का बटन है, बाकी आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं एसी ऑन करते हैं उसके साथ हीटर को ऑन करते हैं, तो ये काम नहीं करना है। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हीटिंग जो है कार के इंजन से आती है, मतलब कार का इंजन जो हीट है उसी को यूज करके कैबिन को भी गर्म किया जाता है। तो कैबिन को गर्म करने के लिए एसी की कोई नीड नहीं है, एसी जो है कूलिंग के लिए बना है। वो एसी जैसे अभी मैंने ऑन कर रखा है तो कार का जो फालतू का फ्यूल वेस्ट हो रहा है क्योंकि एसी की हवा कैबिन तक आ नहीं रही है, बस एसी का कंप्रेसर घूम रहा है। तो कंप्रेसर जब घूमेगा तो आपके इंजन पे लोड पड़ेगा, आपका माइलेज कम होगा, और हीटर से आपके माइलेज पे कोई फर्क नहीं आता है क्योंकि हीटर जो है आपके जो इंजन में जो गर्मी पहले से उसी को लेके आपके कैबिन को गर्म करता है। जैसे कि अब काफी अच्छी गर्म हवा आने लगी है कैबिन में, तो अब जैसे कि मैं चाहूँ तो इसको अभी थर्ड फोर्थ पे कर रखा है मैंने ब्लोअर, तो इस वक्त काफी अच्छी और हॉट एयर आ रही है कार में। तो इससे क्या है आपके जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कार का अच्छा खासा, और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। बट एसी में कभी भी ये गलती ना करें कि आप एसी ऑन करके हीटर ऑन करेंगे, ये मत करिएगा कभी भी, आपका फ्यूल वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। और ये मैक्स डिफॉगर का ये बटन है, इसमें मेरे फ्री स्टाइल में दिया हुआ है,
कार के उसको डिफॉग करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा फॉग जम जाता है तो आप इस फीचर को भी यूज कर ले सकते हैं। ज्यादातर कार्स में दिया रहता है जिसमें ऑटोमेटिक एसी आता है, और ऑटोमेटिक एसी इसमें आता है तो यहाँ पे आपकी सारी हवा यहाँ चैनलाइज हो जाएगी, जो कि यहाँ से आएगी विंडशील्ड की तरफ से, विंडशील्ड पे आएगी, जिससे कि फॉग हट जाएगी कार की। बट ये रेकमेंडेबल तभी है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है इस फीचर की। तो मैं आप लोग को कहूंगा कि आप लोग नंबर 2 नंबर 3 पे फैन स्पीड रखें, और इसको H1 पे ना रख के 28 पे रखें, क्योंकि H1 पे बहुत ही गर्म हवा आती है, जो कि फिर थोड़ी देर के बाद केबिन गर्म हो जाता है, तो बहुत थोड़ी सी गर्मी टाइप लगने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनली आप लोग को अगर H1 भी सूट करता है तो आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे जहाँ बहुत ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ आप यूज कर सकते हैं। और यही मुझे आप लोग को बताना था, ये सिंपल से ट्रिक्स थे जो कि आप ऑटोमेटिक एसी में यूज कर सकते हैं। मैनुअल एसी में भी आपको यही करना है, ब्लोअर की स्पीड अपने हिसाब से सेट करनी जितनी आपको चाहिए, 1 2 3 4, और आपको एसी का स्विच ऑफ रखना है मैनुअल में भी, और उसको जो उसका नॉब है हीट हीट वाले की तरफ कर देना है, बस। मैनुअल में भी कुछ अलग नहीं है, यही चीज करनी है आपको, और बाकी सारी चीजें जो की है वो इसमें सेम ही है मैनुअल जैसी, बाकी सारी वर्किंग सेम है, बस इसमें क्या है आपको थोड़ा सा कम एफर्ट डालना पड़ता है, मैनुअल में आपको काफी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैंने करते हुए लोगों को देखा है। तो आज के बाद आप ये मिस्टेक मत करिएगा एसी ऑन करने की हीटर के साथ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, एंड सेफ चलिए। और हाँ, वो जो मेरे कार के रिकॉल की काम है, वो रिकॉल का काम भी बस हो चुका है, उसकी भी वीडियो 1 2 दिन में आ जाएगी, तो थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि पार्ट अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी है, क्योंकि पार्ट अवेलेबल नहीं था शोरूम पे, डीलरशिप पे, तो उन्होंने पार्ट मंगवाया, अब चेंज होगा, उसके बाद मैं वीडियोस में डालूंगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टिल देन, बाय।